न्यूज 14 सच के साथ। खबर दिन भर की। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने वाले टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। भिवंडी शहर के सरकारी स्कूल में स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टीचर के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया गया है। 15 दिन पहले भरे गए गड्ढों का बुरा हाल। भिवंडी के दामनकन्ना का ब्रिज के आखिरी छोर पर रास्ते के गड्ढों को महज कुछ दिन पहले ही भरा गया था, लेकिन अब उसी रास्ते पर फिर से गड्ढे हो गए हैं। शहर के जागरूक नागरिकों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। भिवंडी वाड़ा रोड पर गड्ढों का साम्राज्य। भिवंडी शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी रास्ते पर बने गड्ढे से रास्ते से गुजरने वाले गाड़ियों और इंसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अपराधियों को अब पुलिस का डर नहीं होने का दावा करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने बुधवार को आरोप लगाया कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रशासन में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल 1 सितंबर को दक्षिण मुंबई में हुतात्म चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेंगे। ये निर्णय बुधवार को मातोश्री पर हुई बैठक में अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोली ने लिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले साल नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग के मालवन तहसील के राजकोट किले में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। नवी मुंबई में 20 लाख की हीरोइन जब्त, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। इन आरोपियों की ड्रग सप्लाई चेन होने की आशंका पुलिस ने जताई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। नियंत्रण रेखा के पास तंगदार के ताड़ इलाके में गोलीबारी जारी है। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में मंगलवार देर रात इसराइली सुरक्षा बलों ने सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइल ने कहा है कि इसमें 9 लोग मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली सैन्य अभियान में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।